आइए UDS+ अंतर्गत आपकी संस्था की जो प्रोफाइल है अर्थात आपके प्रधान पाठक के नाम है, उसकी मोबाइल नंबर है, जीमेल है, इसमें आप सुधार किस प्रकार से कर सकते हो आइए देख लेते हैं। जैसे कोई टीचर जो है आपके स्कूल से चला गया तो उसके जगह में आपका मोबाइल नंबर या फिर जो वर्तमान में है उसका जीमेल नंबर डालना है, तो उसको अपडेट किस प्रकार से आप कर सकते हैं इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील कुमार साहू और आप देख रहे हैं माय नॉलेज फॉर यू। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर UDS में जाएंगे। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से UDS+ लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपको इंटरफेस नजर आएगा। उसके नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखेंगे लॉग इन करने से पहले एक ऑप्शन है UDS+ स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, आपके स्कूल की कुछ कुछ जानकारी को अपडेट करने के लिए, हेडमास्टर की जानकारी अपडेट करने के लिए आपको इस वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है, UDS+ स्कूल मैनेजमेंट, फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, ये कैप्चा फिल करूंगा और यहाँ पर लॉग इन करूंगा। लॉग इन करने के बाद हम जो इसके वेबसाइट में इंटर हो जाएंगे। अब आपको इस प्रकार से दिखाई देगा आपकी संस्था की जो जानकारी है, प्रोफाइल इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर देखना है कुछ कुछ चीजें आपको संशोधन करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इस तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक दूसरा एडिशनल डिटेल अपडेट। तो यहाँ पर यदि हेड की, हेड मास्टर की अपडेट, जानकारी अपडेट करनी है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल में हम क्लिक करेंगे। अब आपको इस प्रकार से दिखाई देगा यहाँ पर जिसको भी आप सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर हेड का जो नाम है वो गलती से यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, इसका मैं मोबाइल नंबर और जीमेल को भी चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर जो एडिट दिख रहा है एडिट में क्लिक करूंगा। जैसे एडिट क्लिक करूंगा यहाँ पर लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब हेड आप स्कूल चार्ज दो भी जहाँ पर भी सुधार करना चाहते हो उसको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, मैं देखिए मैं यहाँ पर इसको मैं मिटा पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिसको सुधार करना है उसको मैं चेंज कर दिया हूँ। अब यहाँ पर जो अपडेट का बटन दिखाई दे रहा है अपडेट में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कूल कॉन्टेक्ट डिटेल अपग्रेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से आपके भी संस्था यदि कोई टीचर जो प्रधान है वो चले गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, तो आप यदि और यदि मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल है, नाम चेंज करना है, तो आप इस प्रकार से आसानी से चेंज कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि कुछ और जानकारी अपडेट करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है एडिशनल डिटेल अपडेट, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसके अंतर्गत फिर से आपको कहाँ सुधार करना है यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखा जाएगा, एडिट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यदि आपके सारा के संबंध कुछ कुछ जानकारी अपडेट करनी है तो यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है।